नहीं बट एक बात बोलूँ, सब लोग बहुत कॉम्पैक्ट और बहुत खुशी खुशी लड़ाई के बगैर बैठे आज, वेट कर रहे हैं ना बहुत टाइम से, मतलब बहुत तू तू मैं होती है। हाँ सॉरी, आपको क्या लग रहा है? नहीं पर आपसे हम रिस्पॉन्स जानना चाहते हैं, चल रहा है कि नहीं चल रहा है। थैंक यू सर। आई थिंक 8 days are left, 8 days बाकी है, एंड ईच डे इज नाउ वेरी वेरी क्रूशल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और एवरी वन नोज कि होली अभी आने वाला है, 13 मार्च को होली है, 10 मार्च को हमारी फिल्म रिलीज है। सो वी हैव ट्रीटेड दिस लाइक अ फेस्टिव रिलीज। हम चाहते हैं कि होली की जो सेलिब्रेशन है वो हमारी फिल्म के साथ शुरू हो, एंड आफ्टर लॉन्ग एक्चुअली हम दोनों ने एक बिल्कुल पारिवारिक फिल्म की है। इट्स अ वेरी फैमिली ओरिएंटेड फिल्म। चिल्ड्रेन कैन गो वॉच द फिल्म, यू कैन गो एंड सी इट इन थिएटर, एंड आई थिंक पेरेंट्स कैन गो। और पेरेंट्स को कोई हिचकिचाहट नहीं होगी अपने बच्चों को लेके जाने के लिए और साथ में देखने के लिए, फैमिली, मम्मी, दादी, सबके साथ। या एवरीवन जी, आपने लैंग्वेज को लेकर काफी काम किया है इस फिल्म में, तो इस प्रिपरेशन के बारे में बताइए, क्या प्रिपरेशन की थी आपने? सेंटर में देख रहा है, आई थिंक थोड़ा बहुत प्रिपरेशन हमको करना था डेफिनेटली। हमने बहुत सारे वर्कशॉप्स किए फिल्म शुरू करने से पहले। वरुण का एक्सेंट थोड़ा सा और डिफिकल्ट था मुझसे, क्योंकि ही इज़ कमिंग फ्रॉम झांसी, मैं कोटा से हूँ विच इज़ द एजुकेशन हब ऑफ राजस्थान, एंड इट इज़ इट वही डिफरेंस है आई थिंक हम दोनों में, जो नॉट ओनली इन लैंग्वेज स्पीकिंग पर कैरेक्टर्स और पर्सनैलिटी में भी। पर डेफिनेटली आई थिंक प्रेपरेशन तो शशांक ने ही करवाई हमसे। देखिए आई थिंक मोस्टली हर फिल्म के लिए हर एक्टर प्रिपेयर करता है, बट मुझे ये अच्छा नहीं लगता कि हम लोग बोले कि बहुत डिफिकल्ट था, मैं सूरज के अंदर खड़ा था, मतलब मैं सोया नहीं रात भर, मैंने ये प्रिपेयर किया। ये आई होप कि जब लोग फिल्म देखें तो उन्हें एफर्टलेस लगे, ऐसा लगे नहीं कि ये बहुत रट्टा मार के आए या ये कुछ अननेचुरल है। तो अबाउट द प्रोसेस पहले भी बोला है बट मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहता हूँ, बिकॉज पीपल शुड फॉरगेट वरुण एंड आलिया एंड जस्ट फील कि बद्री और वैदही है उनके सामने। अग्री। इसके अलावा होली के टाइम पर रिलीज होने वाली, ये साल की होली काफी खास होने वाली है आप दोनों के लिए, बहुत मैं कोई बचपन की मेमोरी है होली को लेकर जो आप शेयर करना चाहें आज के दिन? बहुत सारे। मुझे सबसे ज्यादा तभी भी पसंद आता जब मैं स्कूल में होता था और होली आने वाला है, और आप स्कूल से ही वाटर बॉटल्स, स्कूल के जो वाटर बॉटल्स है वो यू स्टार्ट थ्रोइंग वाटर फ्रॉम दैट ऑन ईच अदर। अगर स्कूल बस में मैं जाता था तो स्कूल बस में पानी ही पानी होता था, हम लोग रंग तो स्कूल में नहीं लेके आ सकते थे। और मज़ा बहुत मुझे आता था जब होली के नेक्स्ट दिन जब आप स्कूल जाते थे, करेक्ट, तो 2-3 बच्चे, काफ़ी बच्चे, पर 2-3 ऐसे बच्चे होते थे जो बिल्कुल कलर में आते थे, मतलब एक तो पर्पल पर्पल ब्लू पिंक, और ऐसे जब और जब वो लोग बैठते थे तो एक ही नीला बच्चा है ऐसा या पर्पल बच्चा है। एक दो बार मेरे साथ भी हुआ है, पर फिर वो रंग निकालना ऑयल के साथ बर्थडे प्लान, अभी तक मैंने कुछ प्लान नहीं किया। इट्स आई थिंक वो फिल्म के बहुत करीब है, वी प्रोबेबली विल बी डूइंग समथिंग, आई हैव नो आईडिया, पर कुछ प्लान मैंने नहीं किया है। बट बिकॉज स्कूल की बात कर रहे थे तो मुझे आलिया का बर्थडे याद इसलिए रहता है क्योंकि जूलियस सीजर में जब आइड्स ऑफ मार्च बहुत एक ऐसा चीज था जो मेरे दिमाग में आइड्स ऑफ मार्च बहुत बिल्डअप होता था उसका, दैट्स द डे यू किल जूलियस, आई नो। And so, no, because when I had asked you, I remember that when your birthday, the first time when we met. It's a Rides of March. The first time when I had asked. What do you want to gift me? What am I? What do you gift me? Hopefully, Badrinath ki Dulhaniya's success. Success. She'll be happy. I mean, she'll gift it to me, I'll gift it to her. I don't know what That's I'll the gift best her. It's a, I don't know, do you, we, I'll gift her something. No, it's okay. I don't want it. Don't lie. I don't know. After the interview gets over, she'll I just ask want her a gift. That's it. A per cup or what is that? Alphabets you want? I want to eat food. Okay. Cheese balls if you get me on my birthday. Alia, film to just release hone wali, aap bahut excited bhi hain. Kyunki pichle 2 dino mein aap isliye bhi khabron mein hain kyunki dhamki bhari calls aaye the aapko lekar chance maarne ki dhamki, aur wo vyakti pakda gaya. Chance maarne ki dhamki hai. Jaan se maarne, sorry. I heard chance maarne ki dhamki hai. हाँ सॉरी, वेरी सॉरी, सॉरी।
ऐसा रिएक्शन कि जब ऐसे धमकी आई तो आलिया का रिएक्शन था, आप इस मसले पर क्या कहना चाहेंगे? पुलिस ने उस व्यक्ति को पकड़ लिया है, पहली बार ऐसा आपके साथ हुआ? आई थिंक ऑनेस्टली आपने मुझे ब्रेव कहा, आई थिंक मैं अपने पिताजी और हमारी पुलिस को ब्रेव कहूँगी, क्योंकि उन्होंने मुझे बिल्कुल फिक्र करने की एक चांस भी नहीं दिया. दे जस्ट टुक ओवर और आई थिंक सब अभी सुलझ गया है एंड एवरीथिंग इज ओके एंड एवरीबडी सेफ एंड हैप्पी. तो बस नो, आई थिंक जैसे कि मैंने कहा, एक पिता और एक पेरेंट का काम होता है आपको सेफ फील करवाना. तो विथ हिम बाय माई साइड देर इज नो वे फॉर मी टू फील स्केयर्ड. थैंक यू.